हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के सीरीज में अक्टूबर वीक फर्स्ट 2024 के क्या हाइलाइट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे, क्या है हाइलाइट्स, क्या है नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या है या फिर ट्रेंडिंग क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं, अगर आप ऐसे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जैसे बैंक PO, SSC, UGC नेट, JRF, DSSSB या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सब करेंट अफेयर्स के हैंड पिक्ड न्यूज आपको बहुत हेल्प करेंगे। आज हम जानेंगे जापान के नए प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो वर्ल्ड रैबिस डे कब मनाया जाता है, भारत ने इनोवेशन के फील्ड में अब कितना बड़ा जंप लिया है, और साथ में हम जानेंगे क्लॉडिया सिनबॉम किस देश की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज का पहला न्यूज है यहाँ पे, हु इज जापान्स न्यू प्राइम मिनिस्टर आफ्टर विनिंग अ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीज लीडरशिप वोट, यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में वोट जीतने के बाद जापान के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं। और यहाँ चार ऑप्शन है आपके पास, और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा इज जापान न्यू प्राइम मिनिस्टर आफ्टर सिक्योरिंग अ विक्ट्री इन द लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी लीडरशिप वोट। आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर फुमो किसिडा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखेंगे, कौन से प्राइम मिनिस्टर अभी गए हैं जिनके बाद ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ नॉर्थ ईस्ट से, जो पूछ रहा है ये कि मणिपुर के किस गांव को 2024 के सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव यानी बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज ऑफ 2024 के खिताब से सम्मानित किया गया है, और ये राइट आंसर है ए ऑप्शन, एंड्रो। सो एंड्रो विलेज इन मणिपुर रिसीव द प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज इन द हेरिटेज कैटेगरी 2024, नोन फॉर इट्स यूनिक कल्चर ट्रेडिशन इंक्लूडिंग सेंचुरीज ओल्ड फायर वर्शिप रिचुअल। ये यहाँ का स्पेशल रिचुअल जो सेलिब्रेट होता है वो एक बहुत ही यूनिक चीज है। द विलेज अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको याद रखेंगे, या हिंदी में भी कई बार हम लोग आपको टेक अवेज दे रहे हैं, जैसे मणिपुर के एंड्रो गांव को 2024 के लिए विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के में से एक रूप में प्रतिष्ठित मान्यता मिली है। सदियों पुरानी अग्नि पूजा अनुष्ठानों सहित अपनी अनूठी संस्कृति परंपराओं के लिए जाना जाने वाला यह गांव दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगला पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अग्रीमेंट दैट इंडिया साइंड एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू प्रोटेक्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑन हाई सीज। उस समझौते का नाम क्या है जिस पर भारत ने खुले समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर किए हैं, और ये है आंसर वन, दैट इज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। टेक अवेज देखते हैं, इंडिया साइंड द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन अग्रीमेंट एट द UN जनरल असेंबली। द अग्रीमेंट विच टू 20 ईयर्स टू नेगोशिएट फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग मरीन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल टेररिज्म वाटर्स रेफर्स टू एज द हाई सीज। इट एम्स टू रेगुलेट एक्टिविटीज सच एज डिस्ट्रक्टिव फिशिंग एंड पॉल्यूशन वेयर इंश्योरिंग द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ मेरीन रिसोर्सेज। तो जो भी मेरीन रिसोर्सेज है, आपका जो मेरीन बाउंड्री है उसके आगे भी उसकी उसको संरक्षण दिया जाए, इसके लिए ये साइन किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग हिंदी में भी आपको दे दे रहे हैं ताकि अगर किसी को थोड़ा भी परेशानी हो तो हिंदी वाले पार्ट को पढ़ करके वो समझ सकते हैं पूरे इशू को। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, व्हेन इज द वर्ल्ड राबीज डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। वर्ल्ड राबीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, और राइट आंसर है डी ऑप्शन, सेप्टेम्बर 28 को। वर्ल्ड राबीज डे इज ऑब्जर्व ऑन सेप्टेम्बर 28 ईच ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज। द डेट कमेमोरेट्स द डेथ ऑफ लुई पास्टर हु डेवलप्ड द फर्स्ट रेबीज वैक्सीनेशन। ये लास्ट टू लाइन्स, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे। सो रेबीज को रोकथाम के लिए नियंत्रण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज डे मनाया जाता है। यह तारीख लुई पास्टर की मृत्यु की याद दिलाती है जिन्होंने पहला रैबिस टीका विकसित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच नेशनल पार्क इन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन ESZ
टू कंजर्व एशियाटिक लायन एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट? और इसका आंसर है ए, गिर फॉरेस्ट, जो कि गुजरात में है। द इंडियन गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड द गिर फॉरेस्ट गिर प्रोटेक्टेड एरिया एज द इको सेंसिटिव जोन टू प्रोटेक्ट एशियाटिक लायंस एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये कहां पे है वो याद रखिएगा, ये है गुजरात में। भारत सरकार ने एशियाई शेरों की रक्षा के लिए और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए गिर संरक्षित क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित किया है, और ये है गुजरात में, ये याद रखेंगे आप। अगला पॉइंट आ रहा है, भारत इनोवेटर्स के लिस्ट में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के लिस्ट में अभी कौन सा रैंक भारत का है? और राइट आंसर है ए ऑप्शन 39। 2015 में 81st था और अब ये काफी ऊपर जंप ले लिया, यानी टॉप लेवल की तरफ वो बढ़ रहा है 2024 में आकर के। टेकअवेज है, इंडिया हैज सिक्योर्ड 39th पोजीशन अमंग 133 ग्लोबल इकोनॉमीज इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट फ्रॉम 81st पोजीशन इन 2015। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है, हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिसेंटली ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन द लेटेस्ट यूनियन कैबिनेट डिसीजन? तो हाल में कितने और लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है? ऑलरेडी पहले से 6 थे, अब रिसेंटली कितना दिया गया है? और राइट आंसर इज सी ऑप्शन 5, यानी टोटल अब 11 ऐसे लैंग्वेज हो गए। द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस फॉर 5 लैंग्वेज। ये पूरे 5 आप याद रखेंगे किस किस लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत एंड असमीज। दिस ट्रेडिशन इंक्रीजेस द टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया टू 11। जी हाँ, पहले से 6 थे, अब 5 और जुड़ गए हैं। द क्लासिकल लैंग्वेज होल्ड सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड द रिकॉग्निशन ब्रिंग्स देम स्पेशल स्टेटस फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। फ्रेंड्स, यहां पर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि कौन सा पहली भाषा थी भारत की, कौन सा पहली भाषा था जिसे क्लासिकल लैंग्वेज का मान्यता दिया गया, पहला कौन था? जी हाँ, आप इसे कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपको हार्ट देंगे ताकि लोगों को समझ में आए इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पे, व्हाट इज द थीम ऑफ द 9th आयुर्वेदा डे अनाउंस्ड बाय आयुष मिनिस्टर प्रताप राव जाधव? तो थीम क्या है जो 9th आयुर्वेदा डे को जो मनाया जाता है उसमें हमारे आयुष मिनिस्टर है प्रताप राव जाधव, इनका नाम भी याद रखेंगे, इसका थीम क्या है इस बार का? और राइट आंसर है सी, आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। टेकअवेज देखते हैं, द थीम फॉर द 9th आयुर्वेदा डे अनाउंस बाय आयुष मिनिस्टर प्रताप राव जाधव इज आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। आयुर्वेदा डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन धनवंतरी जयंती, ऑल्सो नोन एज धनतेरस, टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ आयुर्वेदा बेनिफिट इन हेल्थ केयर। दिस ईयर द सेलिब्रेशन विल टेक प्लेस ऑन 29th of October, जो कि धनतेरस का दिन है और उसी या फिर धनवंतरी जयंती उसी दिन मनाया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब आप याद रखेंगे। विच कंट्री हैज रिसेंटली फॉर्मलाइज इट्स मेंबरशिप इन द मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क, अ कोलैबोरेटिव एफर्ट लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स? और राइट आंसर इसका ए, इंडिया। टेकअवेज यहां, इंडियाज मेंबरशिप इन द MSFN इज अ स्ट्रेटजिक मूव टू एनहांस द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, क्रूशियल फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। द MSFN इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इनिशिएटेड बाय US इन 2022। ये इसी का एक्सटेंशन है और ये इसका अब नाम है मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क, जो पहले जाना जाता था मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपको, इन विच इंडियन स्टेट इज माओ नागा ट्राइब प्राइमरली लोकेटेड? तो ये ट्राइब जो है ये कहां लोकेटेड है, ये बहुत न्यूज में है क्योंकि इसने अभी एक ट्रूस साइन किया है, यानी शांति बनाने के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया है, विच रिसेंटली रिजॉल्व अ लॉन्ग स्टैंडिंग लैंड डिस्प्यूट अलोंग इट्स बॉर्डर, प्रमोटिंग रीजनल हार्मनी।
तो आप बताएं माओ नागा ट्राइब किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? और राइट आंसर है डी ऑप्शन, इसका मणिपुर। टेक अवेज, एक एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। द माओ नागा ट्राइब रिसाइड्स मेनली इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ मणिपुर एडजेसेंट टू सदर्न नागालैंड। द माओ काउंसिल, देयर लीडिंग ट्राइबल अथॉरिटी, recently resolved a long-standing land dispute along the Naga-Manipur border, promoting regional harmony. Their language, also called Mao, अब इनकी भाषा भी आप जान लें, अगर आप UPSC दे रहे हैं या कोई स्टेट लेवल पे ऐसे एग्जाम दे रहे हैं, वहां के लिए ये पूरे एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। Their language, also called Mao, is unique to this tribe, as they refer to themselves as MMAI या MMAI, वो खुद को MMAI या फिर मैं ही बोलते हैं, और इनका जो भाषा स्पेशल लैंग्वेज है उसका नाम है माओ। द माओ नागा लिव्स इन कॉम्पैक्ट वेल प्रोटेक्टेड विलेज इन हिल टॉप्स एंड माउंटेन रिजेस फॉलोइंग अ पैट्रियार्कियल सिस्टम। ये भी बहुत यूनिक है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मैट्रियार्कियल सोसाइटी है, यानी कि वहां लड़कियां विदा होकर नहीं जाती, बल्कि नॉर्मली लड़के की विदाई होती है लड़की के घर में, राइट? तो मैट्रियार्कियल सोसाइटी हुआ, और ये एक ऐसा गांव है जहां पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, यानी कि जब शादी होगी तो लड़कियां विदा होके लड़के के घर आएंगी। अगला पॉइंट है स्पोर्ट्स वर्ल्ड से, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर पोल पोजीशन इन द DTM। सो यहां चार ऑप्शन है। पोल पोजीशन यानी कि जो बेस्ट प्लेयर होता है उस टूर्नामेंट के लिए, उसको सबसे आगे उसको पोल पोजीशन दिया जाता है। तो ये चार हमारे इंडियन प्लेयर्स ही हैं। सो करुण चंडो, अर्जुन मैनी, नारायण कार्तिकेयन गणेश। तो आप बताएं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है अर्जुन मैनी को। तो इन्होंने सिक्योर किया पोल पोजीशन इन द DTM। टेक अवेज देखते हैं। अर्जुन मैनी मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर पोल पोजीशन इन DTM, दैट इज ड्यूस। अब दिस इज अ जर्मन नेम, सो मुश्किल हो रहा है मुझे बोलने में, कोई नहीं। एट द रेड बुल रिंग इन ऑस्ट्रिया, सो यूरोपियन कंट्री है ये। फॉलोइंग दिस अचीवमेंट ही फेस चैलेंजिंग कंडीशंस इन रेस वन बाय मैनेज टू फिनिश इन द थर्ड प्लेस। और फाइनल जो ये टूर्नामेंट कंप्लीट हुआ फॉर्मूला रेस, उसमें इनका रैंक रहा नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, वेयर वॉज द 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल एरोस्पेस समिट हेल्ड। ग्लोबल एरोस्पेस समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेन्यू भी याद रखिएगा कहाँ पर यह हुआ है। और राइट आंसर है इसका आबू धाबी में हुआ है। द 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल एरोस्पेस समिट टू प्लेस इन आबू धाबी फ्रॉम सेप्टेम्बर 25th to 26th, फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी, यूथ एंगेजमेंट एंड इनोवेशन इन द एरोस्पेस स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर्स। तो फ्रेंड्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिल्कुल ये हैंड पिक्ड हैं, आने वाले एग्जाम में बहुत लाइकली है कि इससे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप इसे मल्टीपल टाइम्स देखें, पॉज करके सारे टेक अवेज को पढ़ लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड हों फॉर अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। अगला पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024। एक और रैंकिंग आया है टैलेंट रैंकिंग, तो इंडिया का वर्ल्ड में क्या रैंक है वो पूछ रहा है। और राइट आंसर है 58th पोजीशन है इंडिया का। इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 इंडिया इज रैंक 58th ग्लोबली आउट ऑफ 67 इकोनॉमीज सर्वेड। द रैंकिंग असेसेस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इकोनॉमीज बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू अट्रैक्ट, डेवलप एंड रिटेन टैलेंट। तो टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए ये कौन सा कंट्री कितना काम कर रहा है, उस रैंकिंग में इंडिया का पोजीशन है 58। और नंबर वन पे कौन है? नंबर वन पे स्विट्जरलैंड। ये टॉप मोस्ट कंट्री है जो जिसके पास बेस्ट एबिलिटी है टू अट्रैक्ट, डेवलप एंड रिटेन टैलेंट। ओके, आगे के भी आप ये याद रखेंगे, फॉलोड बाय सिंगापुर, यानी नंबर टू पे सिंगापुर, रिफ्लेक्टिंग देयर स्ट्रॉन्ग टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इंडिया ड्रॉप इन रैंक हाईलाइट्स द चैलेंजेस इट फेसेस इन इंप्रूविंग इट्स ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस and talent development compared to other nations. Alarming situation है, Indian government को इस पे steps जल्दी लेना चाहिए। आइए अगला point देखते हैं क्या आ रहा है।
नेक्स्ट आ रहा है, विच इंडियन स्टेट अनवील्ड द कंट्रीज फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो पहला सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ लगा है? आंसर है इसका केरल। और टेकअवेज देखते हैं, केरल इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट केल्ट्रोन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स, डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो। अगला पॉइंट है यहाँ, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद अडानी ग्रुप टू एनहेंस क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स इन इंडिया। तो भारत में क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव लिया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा, और कोलैबोरेट इसके लिए किससे किया है? तो इन्होंने किया है गूगल के साथ, राइट? सो अडानी ग्रुप हैज फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप विद गूगल टू सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम इट्स सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट लोकेटेड इन खेवड़ा गुजरात स्टार्टिंग इन 2025। दिस कोलैबोरेशन इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स सपोर्टिंग गूगल्स एम्बिशियस ग्लोबल अचीविंग 24/7 कार्बन फ्री एनर्जी एंड एम्स टू रिड्यूस एमिशन। फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पर, और अब आ गया एक पॉइंट जो जीआई टैग से रिलेटेड है। इस राज्य में एक खास तरह का लिकर बनाया जाता है जो बहुत ही स्पेशल है, इसको जीआई टैग मिला है। तो ये किस राज्य में बनता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। सो विच इंडियन स्टेट हैज 8 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। वैसे तो 8 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को यहाँ जीआई टैग मिला है, लेकिन ये कुछ खास है इसलिए मैंने यहाँ पूछा है। इंक्लूडिंग राइस बियर, चावल से बनाया जाने वाला बियर, उसका एक वेरिएशन है। रिसेंटली ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। और राइट आंसर है इसका सीरीज डाउट, ये थोड़ा सा गलत आंसर हो सकता है, अभी देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है आसाम। तो यहां पर मैं इसे कट करके और आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है आसाम, राइट? डी ऑप्शन, ये याद रखेंगे आप। नाउ यहां पे द जीआई टैक्स रिकॉग्नाइज फ्रेंड्स, मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूं यहां पे। विच इंडियन स्टेट हैज 8 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग राइस बियर वेरियंट्स रिसेंटली ग्रांटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग्स। नाउ टेक अवेज देखते हैं, आसाम हैज बिन ग्रांटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स फॉर 8 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग डिस्टिंक्टिव राइस बियर वेरियंट्स डीपली रूटेड इन बोडो कल्चर। तो बोडो ट्राइब है यहाँ पे आसाम में, ये उनके द्वारा बनाया जाता है और बहुत ही यूनिक है, और इसीलिए इसको जीआई टैग मिला है। सो द जीआई टैग रिकॉग्नाइजेस द कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ बोडो कम्युनिटी। द जीआई टैग्स ऑल्सो सेफगार्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ लोकल आर्टिसंस एंड ब्रेवर्स। सो अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, और यहां पर आ गया हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। सो विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड अ 162 मिलियन डॉलर, एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, ऐसा लोन दिया गया है फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो किसके द्वारा यह दिया गया है, और इसका राइट आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, सेकेंड ऑप्शन। उन लोगों ने, इस बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $162 मिलियन का लोन ग्रांट किया है हिमाचल प्रदेश में, वहां टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। द फंड विल बी यूज्ड टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेरिटेज साइट सच एज नागर कैसल एंड कल्चरल सेंटर्स अलॉन्ग साइड देयर कंस्ट्रक्शन ऑफ कन्वेंशन सेंटर इन कांगड़ा, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट द लाल टिपारा गौशाला विद अ बायो सीएनजी प्लांट। और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में यह इनॉग्रेट हुआ है, लाल टिपारा गौशाला, यानी गौशाला से जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनसे बायो फ्यूल बनाया जाएगा यहाँ पे काफी मास लेवल पे। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनोग्रेटेड द लाल टिपारा गौशाला विद अ बायो सीएनजी प्लांट इन ग्वालियर मध्य प्रदेश ड्यूरिंग स्वच्छता दिवस सेलिब्रेशन। अब आपको याद रखना चाहिए, स्वच्छता दिवस सेलिब्रेशन होता है गांधी जी के बर्थडे पे, यानी 2 अक्टूबर को। दिस मॉडर्न गौशाला इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, प्रोड्यूसिंग 3 टन्स ऑफ बायो सीएनजी पर डे यूजिंग 100 टन्स ऑफ काउ डंग। अब पहुंच गए एक और वर्ल्ड न्यूज पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
हु बिकेम मैक्सिकोज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। मैक्सिको की पहली फीमेल प्रेसिडेंट ये बनी है जो अभी ओथ ले रही है यहाँ पे, और इनका नाम है क्लॉडिया शैनबॉम। सो क्लॉडिया मेड हिस्ट्री एज मैक्सिकोज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, सक्सीडिंग आउटगोइंग प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज ऑब्रेडर। हर राइज टू लीडरशिप इज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रिफ्लेक्टिंग मैक्सिकोज प्रोग्रेस इन जेंडर इक्वालिटी पॉलिटिक्स। तो ये थे कंप्लीट न्यूज आपके वीक वन से, उम्मीद है अक्टूबर वीक फर्स्ट से, उम्मीद है आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।